आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं ताजा अपडेट के साथ कई महत्वपूर्ण सूचनाएं। वो कौन सी चीजें हैं जो नए भक्तों को अब ध्यान देने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, और इस चीज को इग्नोर करने से आपको यात्रा में शामिल करने से भी रोका जा सकता है, आपको यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। तो जानते हैं कौन सी है वो चीज। उसके अलावा मनोकामना भवन की डॉर्मेट्री बंद होने के पीछे के कारण और साइज, मौसम व अन्य जानकारी। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 6 जून 2024 और दिन है वीरवार का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए कर लेते हैं आज के माता वैष्णो देवी पिंडी रानी के दर्शन। चूंकि आज वीरवार है तो माता रानी की पिंडी रानी को पीले रंग के चोले से सजाया गया है और साथ ही साथ फूलों द्वारा स्वास्तविक के चिन्ह को बनाया गया है। आज के दर्शन करने के बाद एक लाइक जरूर कर देना। आइए इसके बाद बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी वजह से आने वाले नए यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई केसेस आए हैं जिसके अंदर उनको यात्रा से बाहर निकाल दिया गया। हम देखते हैं वीडियो में आप देख रहे हैं फ्रिस्किंग पॉइंट के नज़ारे हैं। ये वही जगह है जहां से आपकी यात्रा शुरू होती है और आप यहां पर पहुंचने से पहले अपने RFID कार्ड को बनवा लेते हैं, और RFID कार्ड के बिना कभी भी यात्रा शुरू नहीं होती है। इसके बाद फ्रिस्किंग पॉइंट में आप देख रहे हैं इस जगह पर सभी अपने बैग वगैरह रखकर सिक्योरिटी चेक कराते हैं और एक्सरे मशीन से सभी के बैग को निकाला जाता है। आपको बता दें कि इस पॉइंट से आगे बढ़ने के बाद जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक कराकर आगे बढ़ते हैं तब आपको सामने ही इस जगह पर एक लाइन बनी हुई दिखाई देती है। आइए दिखाते हैं आपको, जैसे ही आप फ्रिस्किंग पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं और सामने ही थोड़ी दूर पर RFID कार्ड जो यात्रा खत्म करके भक्त आते हैं उनके लिए एक अलग लाइन लगती है और वो सब अपने RFID कार्ड को लाइन में लगकर वापस कर देते हैं। तो आपको बता दें कि अधिकतर नए भक्त जैसे ही फ्रिस्किंग पॉइंट में सिक्योरिटी चेक कराने के बाद आगे बढ़ते हैं उनको RFID कार्ड को वापस करने वाली लाइन दिख जाती है, और ऐसे ना जाने कितने भक्तों के मैसेज हमारे पास आए हैं कि उन्होंने इस लाइन में लगकर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपने RFID कार्ड यहाँ पर वापस कर दिए, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं था। लेकिन जब उन्हें पता चलता है और वहाँ यहाँ पर वापस आकर अपने RFID कार्ड लेते हैं तो उनको वहाँ से भगा दिया जाता है और कहा जाता है कि अब यहाँ पर आपको RFID कार्ड नहीं मिल सकता है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि आपने जो RFID कार्ड दिया है वो कौन सा वाला है। क्योंकि जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि RFID कार्ड के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है, आपके फोटो को भी कैप्चर किया जाता है, तो किसी और का RFID कार्ड आपको नहीं दिया जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है और ऐसे केसेस रोज ही काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि वहाँ पर साफ साफ लिखा भी रहता है लेकिन उसके बावजूद कई अज्ञानतावश इस तरह की हरकत कर बैठते हैं। तो अगर आप या आपके कोई भी साथी माता वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहे हैं और वो पहली बार जा रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना ताकि उन्हें इस प्रकार से कोई परेशानी ना हो। आइए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की ओर। आज है तारीख 6 जून 2024 और आज के मौसम काल हम आपको बताते हैं। जैसे कि कल भी हमने बताया था कि बारिश वहां पर होने की उम्मीद थी और कल 5 तारीख को दोपहर बाद वहां पे अच्छी खासी बारिश तेज हवाओं के साथ हुई थी। अगर आज की बात करें तो आज भी मैक्सिमम टेम्परेचर 31 रहने वाला है और मौसम बिल्कुल सुहावना रहेगा आज पूरा ही दिन, और आज 10 से 11 बजे के आसपास बारिश होनी शुरू हो जाएगी और पूरा दिन रुक रुक कर इसी प्रकार से आज मौसम रहने वाला है। इसके साथ ही साथ पूरा दिन बिजलियां भी कड़क सकती हैं अच्छी खासी तादाद में। आपको बता दें कि पूरा दिन बादल इसी प्रकार से त्रिकुटा पर्वत पर छाए रहेंगे। पूरे कटरा शहर के अंदर अच्छा मौसम रहने वाला है और किसी भी यात्री को चढ़ाई करते वक्त कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। आप अगर जा रहे हैं तो आपके पास रेनकोट होना बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि किस पॉइंट पर यात्रा के किस पड़ाव पर आपको बारिश मिल जाए। हालांकि आज 10 बजे के बाद से वहाँ पर बारिश होनी शुरू हो जाएगी, तो अपने साथ कटरा से ही रेनकोट अवश्य ही खरीद लें। अगर ओवरऑल पूरे दिन के मौसम की बात करें तो बादल छाए रहेंगे, बीच में हल्की हल्की धूप आ सकती है पर वह धूप उस तरीके की नहीं होगी कि आपको यात्रा के दौरान उससे कुछ परेशानी हो। इसके अलावा आप बताएं तो हवा काफ़ी तेज चल सकती है, तेज हवाओं के कारण मौसम के अंदर ठंडक भी महसूस होगी और यात्रा करना भी काफ़ी ज़्यादा सुखद हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जब आप भवन पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ आपको रात के वक्त अच्छा खासा कम टेम्परेचर मिलने वाला है, थोड़ी ठंडक आपको महसूस हो सकती है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हों तो थोड़ा सा उनका ध्यान अवश्य रखें।
साथ साथ आप भी रात के समय अगर वहां पर रुकना चाहते हैं तो अपने फुल स्लीव क्लॉथ जरूर रखें, ऐसा ना हो कि आप केवल एक टी शर्ट के अंदर हो तो इससे आपको ठंड लग सकती है। तो ये था आज के बारे में मौसम का हाल। आइए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट यात्रियों की संख्या के बारे में। यात्रियों की संख्या के बारे में बात करें तो जून का महीना चल रहा है और अच्छी खासी तादाद के अंदर यात्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। काफी ज्यादा हुजूम यात्रियों को लग जाता है सुबह मॉर्निंग की आरती के साथ साथ शाम की आरती के वक्त, उससे एक घंटा पहले और एक घंटे बाद की बात करें तो ये लाइन जो है भैरव घाटी के मोड़ से भी काफी ज्यादा आगे लग जाती है दर्शनों की लाइन, और इसके अंदर आपको कम से कम 3 से 4 घंटे या उससे भी अधिक कई बार खड़ा रहना पड़ सकता है। तो काफी ज्यादा यात्रियों की संख्या यहाँ पर है। अगर आप भी श्री माता वैष्णो देवी भवन पर आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आरती के आसपास यहाँ पर लाइन में ना लगे, क्योंकि काफी ज्यादा वक्त आपको लग जाएगा। आप कोशिश करें कि आप दोपहर के वक्त 12 या 12 बजे के बाद में या फिर रात को 11:30 बजे के बाद में अगर लाइन में लगते हैं तब आपको दर्शन करने के लिए इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको उस समय लगभग 40 से 45 मिनट के अंदर ही दर्शन हो जाएंगे। अब बड़े आराम से आप दर्शन करके वापस बाहर भी आ सकते हैं। जैसा कि आपको हमेशा बताते हैं कि आप अगर इस रस के अंदर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि रोपवे की टिकट अपनी ऑनलाइन ही बुक करा कर जाएं, क्योंकि अगर हम आज भी देखते हैं तो कल आने वाले दिन की बुकिंग भी अवेलेबल होती है और आप बड़े आराम से रोपवे की बुकिंग कर सकते हैं और आप इसको अपने मोबाइल से भवन के अंदर बैठ कर भी कर सकते हैं। और आपको वहां पर अपना QR कोड दिखाना होता है, उसके बाद आपको डायरेक्ट रोपवे के लिए भेज दिया जाता है। आपको लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उस लाइन के अंदर आप लग जाओगे तो आपको 2.5 से 3 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप भैरव घाटी तक का सफर पैदल ही तय करना चाहते तो आपको बता दें कि ये चढ़ाई काफी ज्यादा खड़ी है, लेकिन केवल 2 किलोमीटर की ये चढ़ाई है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्यादा रस होने के कारण लोकर के लिए लगने वाली लाइन भी काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। कोशिश करें अगर आप रात के समय वहां पर रुकना चाहते हैं तो अपने घर से एक ताला लेकर आए और दुर्गा भवन के फ्री लॉकर के अंदर अपना सामान रख के अपना वह ताला लगा दें, आपको किसी भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दुर्गा भवन रात को 9 बजे के आसपास खुलता है गर्मियों के दिनों में, हालांकि सर्दियों के दिनों में ये 7 बजे ही खुल जाता है। लेकिन अगर आप रात के समय वहां पर नहीं रुकने वाले हैं तो आपको लॉकर के लाइन में लगना ही पड़ेगा। उसके लिए आप पार्वती भवन के लॉकर का यूज कर सकते हैं या फिर आप लॉकर नंबर 1 या लॉकर नंबर 3 भी यूज कर सकते हैं जो भवन से पहले आपको मिल जाता है। आइए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट अर्थ कुंवारी के वेटिंग टाइम के बारे में। अर्थ कुंवारी माता वैष्णो देवी का आधे रास्ते का पड़ाव है जहां पर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने होते हैं। ये वही पड़ाव है जहां पर माता वैष्णो देवी ने 9 महीने वास किया था और इस गर्भजून गुफा में प्रवेश करने के लिए यात्रियों की काफी ज्यादा लंबी लाइन यहां पर लग जाती है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर सभी को ग्रुप टोकन नंबर दिया जाता है और उस ग्रुप टोकन नंबर के लिए वेटिंग टाइम दिया जाता है कि आपका नंबर इतने घंटे बाद आएगा। आज की बात करें तो आज 72 से 76 घंटे का वेटिंग टाइम सभी श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। अगर आपको अर्ध कुंवारी की गर्भजून गुफा के अंदर प्रवेश करना है तो आपको लगभग 72 से 76 घंटे तक का वेट करना ही पड़ेगा। हम वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं काफी श्रद्धालु अर्ध कुंवारी के टनल से बाहर निकलने के बाद भी काफी यात्री यहां पर ही आराम फरमा रहे हैं और कई यात्री यहां पर अपना बिस्तर बिछाकर आराम से सो भी रहे हैं। आइए अब बताते हैं एक और महत्वपूर्ण सूचना। अब आप मनोकामना भवन जो भवन पर स्थित है वहां पर डोरमेट्री बेड जो आप सभी लोगों को दिए जाते थे अब वो बिल्कुल भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। जैसा कि हमने कल ही इस बारे में आपको सूचित कर दिया था और लाइव के अंदर भी हमने आपको बता दिया था कि अब मनोकामना भवन पर मिलने वाले डॉर्मेट्री की बुकिंग आप नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हम देखें इनकी वेबसाइट पर भी तो अगस्त महीने की बुकिंग ओपन ही नहीं की गई है और ये केवल भवन पर मिलने वाले मनोकामना भवन की डॉर्मेट्री के लिए है। इसके अलावा कटरा या फिर अर्ध कुंवारी या जम्मू में किसी भी भवन की डॉर्मेट्री अवेलेबल है लेकिन केवल मनोकामना भवन के लिए अवेलेबल नहीं है। इस बारे में हमने बात की तो हमें पता चला कि अब ये डॉर्मेट्री केवल ग्रुप 8 का आरती के अंदर शामिल होने वाले लोगों को ही
दी जाएगी। पहले सभी यात्री 2 महीने पहले ही ऑनलाइन अपने डोरमेट्री को बुक कर देते थे और एक व्यक्ति का इसमें केवल 150 रुपए ही लिया जाता है, जो काफी ज्यादा सहूलियत भरा होता था। तो कितनी भी ज्यादा वहां पर ठंड हो, मनोकामना भवन के अंदर रुककर यात्री अपनी रात को अच्छे से बिता सकता था। लेकिन अब जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ग्रुप अटका आरती को बुक करें, ऐसे लोगों के लिए काफी ज्यादा निराशा भरा ये निर्णय लिया गया है। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि दुर्गा भवन के अंदर जो पेड डोरमेट्री होती है उसकी ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही नहीं होती है और अब मनोकामना भवन की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई है। अगर आपको डोरमेट्री चाहिए वो केवल आपको दुर्गा भवन में मिल सकता है, या तो फ्री अकोमोडेशन वाला जहाँ आपको धर्मशाला की तरह पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर अपनी जगह घेरनी पड़ती है, या फिर आप पेड डोरमेट्री केवल निहारी का कॉम्प्लेक्स से ही ले सकते हैं और वो भी केवल दुर्गा भवन के लिए। अगर आप रूम को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 4-बेडेड रूम दुर्गा भवन में 3400 रुपए का और नवकालिका भवन में भी 3400 रुपए का जो 4-बेडेड रूम है वो आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी आप ऑफलाइन ही बुक कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन रूम की बात करें तो वो आपको वैष्णव भवन और गौरी भवन के हट के अंदर ही आपको मिल सकता है। तो ये थी आज की कई महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपको आज की वीडियो में बताई। कोशिश करें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, जिससे सभी लोगों को पता चले कि रोज सुबह हम आपको एक नया अच्छा वीडियो ताजा अपडेट के साथ भेज देते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट के साथ, तब तक सभी भक्तों को जय माता दी।